एक लड़की जो महज 17 साल की है, वो नौकरी मांगने के लिए 4 जून 2017 को बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के पास जाती है और फिर लड़की आरोप लगाती है कि विधायक ने उसके साथ रेप किया। इस घटना के 7 दिन बाद लड़की गायब हो जाती है और 8वें दिन यूपी की औराया से बरामद होती है। फिर मामला दर्ज होता है और जांच शुरू होती है, लेकिन लड़की आरोप लगाती है कि पुलिस ने उसे विधायक का नाम नहीं लेने दिया। इसके बाद लड़की यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के घर के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश करती है। इतना ही नहीं, लड़की के पिता की जेल में मौत हो जाती है और हत्या के आरोप में विधायक के भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सीबीआई जांच के बाद कुलदीप सिंह सेंगर को भी गिरफ्तार कर दिया जाता है। कुछ महीने बाद ही पीड़िता और उसके परिवार के साथ एक दर्दनाक हादसा हो जाता है। जी हाँ, पीड़िता की गाड़ी की टक्कर ट्रक से हो जाती है, जिसमें पीड़िता की मौसी और चाची की मौके पर ही मौत हो जाती है और रेप पीड़िता और उसका वकील गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जिसके बाद पीड़िता को लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया जाता है। इस दौरान सीबीआई की टीम ट्रामा सेंटर पहुंचती है, जिसके बाद केजीएमसी मेडिकल बुलेटिन जारी करती है, जिसमें मरीज की हालत को नाजुक बताया जाता है। इन सारी घटनाओं के बाद अब सरकार उन्नाव कांड पर काफी सख्त हो गई है। मामले को गर्माता हुआ देख बीजेपी ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। पीड़िता की सुरक्षा में लगे 3 पुलिसकर्मी को लापरवाही के लिए निलंबित भी कर दिया गया है। एक्सीडेंट के 4 दिन बाद अब चाची का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इसके साथ ही पीड़ित परिवार प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। दरअसल न्याय के लिए पीड़ित परिवार को काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। मेरी मौसी, ये लोग बैरवी कर रहे थे यहाँ पे पीड़िता के घर पे रह के। अब उसके बाद बैरवी करते करते सर महेश सिंह को भी अंदर कर दिया गया। उनकी सबकी बैरवी करवा रही थी मेरी माँ, सहायिका थी, हर तिथि से मदद करती थी। उसके बाद सर ये जा रहे थे, इसमें ये कोई हुआ नहीं था सर, दुर्घटना, ये मर्डर है सीधा। मैं सरकार से यही मांग करूंगी सर, जितने इनके ऊपर झूठे मुकदमे लगे हैं उसकी जांच कराएं और उसको खारिज कराएं सर, उसको वापस लिया जाए और जो सीबीआई पुटअप हो रही है उसकी जो है जांच का हमारा मुकदमा सारा दिल्ली कराम सर किया जाए, क्योंकि हमको वहाँ न्याय मिलेगा। मामले को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्नाव रेप कांड मामले में सख्त आदेश आया है। दरअसल चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मामले पर सख्ती बरतते हुए केस को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है। इसके अलावा अदालत ने आदेश दिया है कि पीड़िता के एक्सीडेंट की जांच सीबीआई 7 दिन के अंदर पूरी करे, साथ ही केस के ट्रायल को 45 दिन में पूरा कर लिया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के परिवार को सीआरपीएफ की सुरक्षा मुहैया कराने की भी बात कही है, साथ ही वकील को भी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूपी सरकार को आदेश दिया गया है कि पीड़िता को 25 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाए। We'll be right back.